तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल को अपने वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कैसे आप अपने मोबाइल को अपनी वॉइस के थ्रू उसको पूरा असिस्ट कर पाएंगे, या बोल सकते हैं उसको चला पाएंगे। बहुत ही अच्छी इजी सेटिंग बताऊंगा जिसको आप यूज करके आप अपने मोबाइल को अपने वॉइस के थ्रू पूरी पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, ए टू जेड आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसा कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस वही करना है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनियर है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे मैं अपने मोबाइल को अपनी वॉइस के थ्रू ऑपरेट कर पाऊंगा ए टू जेड वर्क। तो आप पहले तो वो देख लीजिए और कैसे इसको ऑन करेंगे वो मैं आपके आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर ये ओपन हो चुका है। देखिए, ओपन प्ले स्टोर, आ सकते हैं, प्ले स्टोर ओपन हो गया है। गो बैक आ गया है। ओपन यूट्यूब, गो बैक। ओपन गैलरी, गो बैक। ओपन फोन डायलर, क्लियर ऑल टैक्स, टाइप 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा वो पूरी तरह से वर्क करता है। और आपको एक चीज और बताता हूं, गो होम स्क्रीन, ओपन रिसेंट एप्स, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट। आप देख सकते हैं पूरे तरह से स्वाइप तक भी वहां पर काम करता है। सेटिंग्स, स्वाइप अप स्वाइप डाउन। ओपन मैसेज, माय नेम इज सनी, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट यू आर, हाउ डू डू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। आप जैसा चाहे उस एक्टिविटी को कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ये वर्क करता है। इसकी एक चीज और बता देता हूं, सेटिंग्स, जैसे कि ये सेटिंग्स खुल चुकी है। अब मैंने यहां पर मुझे किसी एक चीज फील्ड में जाना है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, शो लेबल्स। आप देख रहे होंगे साइड में आपको नंबरिंग दिख रही होगी, आप जिस चीज में जाना है, लाइक मुझे डिस्प्ले पे जाना है, तो मैं यहां पर बोलूंगा 7 7। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आ गया। और यहां पे आपको कुछ और करना है तो आपको यहां पर भी शो लेबल्स को बोलना होगा, शो लेबल्स। यहां पर भी आपको डिस्प्ले हो गए, आपको जो भी करना है वो बोलना है और उसके हिसाब से वो यहां पर पूरी एक्टिविटी को यहां पर कर लेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। अगर आपको इसको बंद करना हो तो आपको बोलना होगा स्टॉप लिसनिंग। तो अब ये पूरी तरह से बंद हो गया। आप जैसा चाहे आप इसको अपने हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं और पूरी तरह से ये ऑपरेट हो जाएगा। अगर आपको इसको ऑन करना हो तो आपको बोलना पड़ेगा, हे गूगल, वॉइस एक्सेस टू बी एक्टिवेट। और ये वॉइस एक्सेस वापस इनेबल हो गया है। आप फिर जो बोलेंगे वो तरह से काम करेगा। अब मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूं, स्टॉप लिसनिंग। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना है वॉइस एक्सेस, जो कि गूगल की तरफ से ही ऐप है। ये आपको प्री इंस्टॉल नहीं रहती, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी। ये गूगल की खुद की ऐप है, आपको यहां पर इसको इंस्टॉल कर लेना है वॉइस एक्सेस नाम से। तो आपको प्ले स्टोर में जाके इसको पहले तो डाउनलोड कर लेना है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके पास ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है तो ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ओपन का ऑप्शन नहीं दे रहा तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाना होगा और वहां जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगा और आपको फर्स्ट बार इसको कन्फिगर करना पड़ेगा। कन्फिगर करने के बाद उसके बाद आप बहुत इजीली उसको यूज कर पाएंगे। तो इसको होने देते हैं डाउनलोड। तो आप देख सकते हैं फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है, बट यहां पर मेरे को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और इंस्टॉल मतलब ओपन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाने के लिए नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसेबिलिटी वाला, आपको उसके अंदर जाना है। एसेबिलिटी वाले ऑप्शन के जाने के बाद आपको जाना है इंस्टॉल ऐप में, आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, आपको उसमें जाना है और नीचे मिल जाएगा आपको वॉइस एक्सेस का ऑप्शन, आपको उस पे जाना है और उसको यहां से इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपसे बहुत सारी परमिशन मांगेगा, आपको पूरी तरह से उसको पूरी परमिशन दे देना है और यहां पर ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन करेंगे उसके बाद आपसे ये ऑप्शन पूछने वाला है कैसे क्या करना है।
तो आपको लाइक मेरे को, मैंने यहाँ कर दिया स्पेलिशन, मतलब कि जब तक की स्क्रीन ऑन रहेगी जब तक वो मेरी पूरी बातें सुनेगा, उसके बाद मैं जो मैं बोलूंगा वो वर्क करेगा। और नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टॉप लिसनिंग आफ्टर 30 सेकेंड, मतलब कि 30 सेकेंड बाद, मान लो मैंने अभी ऑन करके रखा है, उसके 30 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक वो काम करना बंद कर देगा। जो भी आपको एक्टिविटी करनी है आपको उस पर क्लिक कर देना है, फिर आगे कंटिन्यू पे करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन दे देना है, उसके बाद आपको बताएगा कि कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है गूगल वॉइस एक्सेस टू एक्टिवेट करने को बोलेगा, स्टॉप करना है तो आपको स्टॉप लिसनिंग में बोलना पड़ेगा और वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद ये शो लेवल्स, मतलब कि आपने किसी चीज पे गए हो, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई शॉर्टकट्स करना हो तो आपको शो लेवल्स बोलेंगे, तो आपको वहां पर नंबर दिख लिखे हुआ जाएंगे, उन नंबर को आप बोलेंगे तो आप डायरेक्ट वो एक्टिवेट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको सेटिंग में करके बताया था। ये वो चीज है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, आपसे फोन कॉल की सेटिंग की परमिशन मांगेगा, तो आपको वो भी उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये आपसे टाइपिंग के लिए बता रहा है, आप टाइपिंग कर सकते हैं, डिलीट मार सकते हैं, स्टॉप टाइपिंग भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो आपको इन सब चीजों को यहाँ पर ऑफ ऑन कर लेना है। अब ऑन हो गया है ये, अब इसको ऑन कर लेते हैं। हे गूगल वॉइस एक्सिस्ट एक्टिवेट, ओपनिंग वॉइस एक्सेस। अब ये ओपन हो गया। अब जैसा ही बोलता हूं कॉल कॉल 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे कॉल लग चुका है। ऐसे ही मान लो अगर मैं वापस बोलता हूं सेटिंग्स, सॉरी ओपन प्ले स्टोर, शो लेबल्स, आपको लेबल्स दिख रहे होंगे जिसमें बोलूंगा लाइक मैं बोलता हूं अभी 15 15, ओपन हो गया। शो लेबल्स शो लेबल्स शो लेबल्स शो लेबल्स, आपको फिर दिख जाएंगे, जो भी बोलना है फिर आप बोल सकते हैं। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, गो बैक गो होम स्क्रीन, स्टॉप लिसनिंग, आप देख सकते हैं ऐसे ये काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है सो मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।